बहुत मेहनत कर रही है, सत्ता में बने रहना चाहती है, जनता का विश्वास फिर हासिल करना चाहती है। टिकट वितरण भी समय से पहले बहुत कर दिया, 79 सीट घोषित कर दी। क्या दिख रही है भाजपा की तैयारी? सत्ता में बनी रहेगी, ठीक ठाक बहुमत के साथ आ रही है, टिकट वितरण ठीक हुआ है? देखो, इसलिए इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक वर्तमान के जितने सारे विकास हो या राष्ट्र को अपने उस ऊंचाइयों पे पहुंचाने के अन्य बहुत सारे कारण हैं, और माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी वर्तमान में और विगत 2020 मार्च के बाद में जो एक गति विकास की दी है और जनहितैषी योजनाएं बनाई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश।